बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। तो आइए आपको दिखाते हैं ये तिल के और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। 200 ग्राम हमने तिल लिए हैं और ये तकरीबन 250 ग्राम गुड़ है। तो 250 ग्राम गुड़ लिया और 200 ग्राम तिल है और ये 15 से 20 अदद पीनट है। तो ये आधा टीस्पून बेकिंग सोडा है और ये तकरीबन हमने 2 टीस्पून लिया है देसी घी। तो कढ़ाई हमने चूल्हे पर चढ़ा लिया, इसमें अब तिल ऐड करेंगे। तो इसे अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं। तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है। तो अब हमने इसको लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। तो तिल हमारे अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो तिल हमने निकाल लिए हैं, अब इसमें घी ऐड करेंगे। तो घी हमने ऐड कर दिया, घी गर्म हो रहा है तो इसमें अब गुड़ ऐड कर देंगे। तो गुड़ हमने ऐड कर दिया, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। गुड़ आपने ब्रेक ब्रेक पहले तोड़, हमने पहले ही ब्रेक ब्रेक तोड़ लिया था। पहले ब्रेक ब्रेक तोड़ लेने से ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। पानी ऐड करें, तो गुड़ को आपने अच्छी तरह ऐसे हिलाते रहना है। तो अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो बेकिंग सोडा हमने ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह ऐसे हिलाते रहें कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ऐसे अच्छी तरह हिलाते रहें। अब इसमें पीनट ऐड कर दें, पीनट ऐड कर दें। ऐसे अच्छी तरह हिलाते रहें। तो ये तैयार हो जाता है, फिर इसमें तिल ऐड करेंगे रोस्ट किए। तो ये अच्छी तरह झाग बन चुकी है, अब इसमें तिल ऐड करेंगे, ऐड कर दें। ऐसे हिलाते रहें अच्छी तरह ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, देखें माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इस अच्छी तरह फिर इसके बॉल बन जाए। ये देखें ऐसे करते रहो। ये देखें, चाहे तो इस पर तिल लगा सकते हैं दोबारा, अगर आप नहीं चाहते तो रहने दें। ये हम अब लगा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सारे लड्डू बनेंगे और इन इसी तरह सारे तैयार होंगे। तो आपको दिखाते हैं अभी। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त के और गुड़ के लड्डू तैयार हुए हैं माशाल्लाह।